मेहमाने खसूसी अपने दरमियान में मधु किए हैं एवेंजलिस्ट परवेज आलम साहब, चेयरमैन सीसीपी मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान। खुदा ने अपने बंदा को बड़ी बरकत दी है। मुल्क के तुल अर्ज में जहाँ कहीं कलाम का मौका मिलता है पहुँचते हैं। इसके साथ साथ ये स्कूल भी चला रहे हैं बीकन किड्स के नाम से, और चैनल को भी इन्होंने रन करना शुरू किया है, और फिर ये खुराक का काम भी जो है खुदा ने दे रहा है, ये खूब इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं चाहूँगा आपकी ज़ोरदार तालियों में इवेंजलिस्ट परवेज आलम साहब को अमदाबाद देगी, जो आज के हमारे चीफ गेस्ट भी हैं और फीता भी काटा जाएगा। सर मैं वेलकम मान सकिए, और पास्टर जाल साहब आप ऑल्सो, उनके साथ कैमरा मैन भाई हैं, उनको भी हम वेलकम कहते हैं। और मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि वो फीता काटें, एक दो बातें करेंगे और फिर उसके बाद उसे काटा जाएगा और इस राशन का जो है वो इजरा किया जाएगा। सबसे पहले मेरी तरफ से सलाम, अच्छा लगा कि सारा इंतज़ाम देख के, और ख़ासतौर पर जैसे कलाम हक में लिखा है कि जो गरीब की मदद करता है वो खुदा को कर्ज देता है। यानी खुदा को जब आप, खुदा तो किसी से कर्ज नहीं लेता, ना खुदा किसी का कर्ज रखता है, बल्कि वो आपको मल्टीप्लाई करके देता है। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है और एक ज़बरदस्त स्टेप है। इवन के बहुत सारे जहानाबाद में बहुत सारी NGOs ने, मिनिस्ट्रीज ने, चर्चेज ने जो है वो इस स्टेप में जो है वो हिस्सा लिया है और अपना किरदार अपने अपने लेवल पे जो है वो किया है। हम तमाम लोगों को, तमाम बहन भाइयों को भी अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने खुदा के काम में हिस्सा लिया। स्पेशली ये ख़ासतौर पर भाई सुहेल मौजूद हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, खूबसूरत काम है। और भी बहुत सारे नौजवान हैं जो जहानाबाद में जो है वो खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा ऑनरेबल और बड़ा अप्रिशिएटेबल काम है जो खुदा ने जो है वो उन लोगों को दिया है जो खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हर एक के हिस्से में ये बरकत नहीं आती, खुदा हर एक को जो है वो देने वाला, जो है वो देने वाला दिल जो है वो हर किसी के पास नहीं है। देने वाला दिल जो है वो खुदा जो है वो मुहैया करता है, इंसान के दिल में डालता है कि आप ये खिदमत करें। तो जब हम किसी गरीब की, नादार की, मस्कीन की मदद करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ब्लेसिंग मल्टीप्लाई होकर जो है वो आपके पास आती हैं। और इस चर्च पर जो है वो, देखिए चर्च की छत पे हम जो है प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका मतलब ब्लेसिंग जो है ऊपर से नीचे की तरफ चर्च में जाए। ये खूबसूरत काम है, आप अप्रिशिएट करें, तालियां बजाएं भरपूर। और पास्टर जवेद साहब को जिन्होंने ये सारी काविश की, इनकी टीम के लिए जिन्होंने ये खूबसूरत जो है वो प्रोग्राम किया, ताकि हाँ मैं समझता हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा तो ये जो है वो सालों साल तो नहीं चलेगा, लेकिन जितने भी दिन चलेगा ये इनका एक शेयर है, ये एक किस्सा है उन लोगों के लिए जो प्रोवाइड नहीं कर सकते इन कोरोना के एग्जाम में। गॉड ब्लेस यू। बाइबल मुकदस में हम सब ने एक जो है वो लीवर है, बाइबल को पढ़ने वाले हैं। तो 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ जब यीशु मसीह ने जो है वो उससे क्या किया, मल्टीपल किया। जब बहुत सी भीड़ यीशु मसीह ने देखी, तो वहाँ पर भीड़ पर जो है वो मसीह को तरस आया और मसीह ने कहा कि इनके खाने का इंतजाम करो। तो एक शागिर्द ने कहा कि हमारे पास सिर्फ 200 दिनार है और ये 200 दिनार जो है वो काफ़ी नहीं है, इतने हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, इनको देने के लिए काफ़ी नहीं। हालांकि मसीह ने पूछा कि क्या आपके पास कुछ है, तो उसने कहा कि नहीं कुछ भी नहीं है, 200 दिनार है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह जो है वो उसका ट्रस्ट देख रहे थे, वो देख रहे थे कि क्या इसको मुझ पर जो है वो ईमान इसका कितना मजबूत है, ट्रस्ट कितना है कि मैं जो मुर्दों को जिंदा करता हूँ, मैं जो अंधों को आंखें देता हूँ। ये भी देखता है कि हम कितना जो है वो अपना शेयर करते हैं, हम कितना हिस्सा डालते हैं, बाकी तो खुदा का काम है लेकिन हमारा हिस्सा कितना है ये भी खुदा जो है वो देखता है। और जब हम अपना हिस्सा डालते हैं तो अगला काम जो है वो खुदा करता है। फिर जो है 5 मछलियाँ और 2 रोटियाँ जो है वो हजारों की तादाद में और 12 टोकरियाँ जो है वो लिखा है कि वो जो है वो बच गई। और फिर जो बची हुई टोकरियाँ थी वहाँ पर भी मसीह ने इनको कहा कि टोकरियों को जो है वो ज़ाया मत करो। यानी हमें खुराक की जो है वो फिक्र भी करनी है और हमें खुराक, और जो खुदा ब्लेसिंग देता है हमें उसकी जो है वो परवाह भी करनी है, फिक्र भी करनी है और उसकी जो है वो उसको रिस्पेक्ट भी देनी है। गॉड ब्लेस यू। बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि 5 रोटियां और 2 मछलियां कुल मिला के कितने हो गए जी।
मसीह यीशु में आप सबको सलाम जी। मैं आपका होस्ट पास्टर अफजाल क्रिश्चियन रिवाइवल नेटवर्क टीवी की तरफ से। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं जीपीसी प्लेटफार्म पे, और आज आप सब ये देख रहे हैं कि खुदावंद की बरकत के वसीला से आज यहाँ पर राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और जीपीसी के वाइस चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, अपना पास्टर जुवेद बुरेट साहब। हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने जो आज राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है, खुदावन ने उनको बरकत दी है, और ये कैसे खुदा ने उनके दिल में डाला। आए हम उनसे बात करते। खुदावन मसीह के बाबरकत नाम में आप तमाम को सलाम हो जी। भाई ने पूछा है कि कैसे खुदा ने आपके दिल में डाला। तो जब से ये COVID-19 आया है, सारे परेशान हैं, जॉबलेस हैं, बेरोजगार हो चुके हैं, और हम घरों में विजिट के लिए जाते हैं तो लोग जो हैं परेशान हमें नज़र आते हैं। तो मेरे दिल में ये ख्याल था कि क्यों ना अपने लोगों की जिस तौर से भी हो मदद की जानी चाहिए। सारा साल हमारा चर्च हमें हदिया जा देता है, शुक्रगुजारी के तौर पर, टाइथ के तौर पर चर्च फीड करता है। तो जब अब चर्च मुश्किल में आया तो मेरे दिल में बोझ था कि आई विल गिव देम, हमें भी अब अपने चर्च के लिए इन मुश्किल हालात में कुछ करना है। सो मैंने मुख्तलिफ लोगों से रिक्वेस्ट की है, जो हमारे बाहर के दोस्त हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की, जो पाकिस्तान के दोस्त हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की कि भाई आप जो कुछ भी कर सकते हैं चर्च के लिए कीजिए। खुदा का शुक्र सुहेल भाई ने किया है, भाई शराज ने किया चर्च के लिए, और बहन डॉक्टर मैक मुश्ताक ने किया चर्च के लिए, हमने खुद किया है। और बिलखसूस जो है पास्टर जमशेद साहब से मैंने दिली तौर पर रिक्वेस्ट की कि साहब आप ज़रूर कुछ ना कुछ हदिया दीजिए ताकि पाकिस्तानी कलीसिया के लिए बराबर हो। सो उन्होंने आज का जो है पास्टर जमशेद साहब ने हदिया दिया है, और 170 पैकेजेस हैं, यानी 1,80,000 रुपये का ये राशन जो है इसकी शॉपिंग की गई ताकि चर्च में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। सो 100 फैमिलीज को हम दे चुके हैं, बाकी जो बचा है ये उनके नाम है जिन्हें दिया जाएगा। सो इसके पीछे मकसद यह है कि खुदा का नाम जलाल पाए। 3 दिन रात भीड़ मसीह के पीछे चली तो मसीह ने कहा कि मुझे इन पर तरस आता है, नहीं कुछ खाने का दो, और वहां पर फिर खाने का मौजूदा हुआ। हालेलुया, जहां पर भी पैशन होगा, जहां पर भी तरस होगा, वहां राशन आएगा। हालेलुया, नोबडी कैन स्टॉप, प्रेज द लॉर्ड। जहां तरस होगा वहां खुदा फूड मुहैया कर देता है। हालेलुया, वीरानों में बियाबानों में मन बरसा दिया, तरस आया पानी को मैं में बदल दिया। उसे तरस आया तो उसने 5 रोटियां 2 मछलियों का बड़ा मौजा दिखाकर दुनिया के अंदर तारीख रकम कर दी। हालेलुया, आइए हम सब तरस रखें ताकि एक दूसरे की मदद करते रहें। हालेलुया, जय प्रभु की जी। पास्टर फजल साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, उस सवाल से मुझे बोलने की कुछ तौफीक हासिल होगी। सो आई विल सैल्यूट यू, और इसके साथ साथ परवेज आलम साहब का भी हम शुक्र अदा करते हैं कि इन्होंने यहाँ पर आके अपने कैमरामैन के साथ और फीता काट करके कलाम की चीदा बातें करके इस महफिल की रौनक को दो बाला किया है। खुदा इन्हें बरकत दे, जोरदार तालियां गेस्ट के लिए भी। हालेलुया, उनके नाम की एक लंबा नारा लगाएंगे जो हमारे चर्च का, बोलो खुदावन यीशु के नाम की। थैंक यू जी। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं, और आज आप सबने देखा कि खूबसूरत काम जो है वो हुआ है। आज बहुत से लोगों की जो है वो मदद की गई है जीपीसी चर्च के वसीला से और पास्टर जवेद के वसीला से। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप जो है वो इस चर्च को अपनी दुआओं में याद रखें, अपनी प्रेयर्स में याद रखें, और अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट के थ्रू जो है उनको मदद कीजिए, ताकि आज इन्होंने जो है वो 100+ फैमिलीज को दिया है, तो ये हज़ारों में जो है वो जाएँ और बहुत सी फैमिलीज को जो है वो सपोर्ट करेंगे। और ब्लेस यू, थैंक यू। मेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तुम भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत जीपीसी चर्च के साथ, इस तमाम कलीसिया के साथ और कुल ईमानदारों के साथ। ऐलान सुनिए, जो चर्च की फैमिलीज रह गई हैं इसी